14-15 तारीख की रात को पुलिस पार्टी के ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा थाना चौरी चौरा के अंतर्गत फायर किया गया था और मारपीट हुई थी, जिसमें थाना चौरी चौरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और थाना पिपराइच से उसकी विवेचना चल रही थी। उसी क्रम में आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जो तीन बदमाश हैं वो मोटरसाइकिल से जंगल धूसर थाना पिपराइच होते हुए शाहपुर की तरफ आ रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं। पुलिस पार्टी की वहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी और जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने फायर किया और जब इसमें बदमाशों का पीछा किया गया और जो अन्य थाने हैं उनको उनके द्वारा घेराव किया गया, तो इसमें थाना गोरखनाथ, थाना पिपराइच और एसओजी की टीम के द्वारा इनको रामपुर जो बंधा पड़ता है थाना गोरखनाथ में, वहाँ पर घेराव किया गया और जो एक बदमाश था उसको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी और जो अन्य दो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए। जो अन्य दो बदमाश हैं, जब जो घायल बदमाश है उससे पूछा गया तो उनके नाम उसने धीरू और मिथुन बताया। जो ये घायल बदमाश है धीरज पासवान, इसके ऊपर 25,000 का इनाम था और जो थाना चौरी चौरा के अंतर्गत जो मुकदमा पंजीकृत है वहाँ से ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर लगभग 15 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं और एक ये गैंग का एक सदस्य भी है और इसमें मौके से एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस मिले हैं और साथ ही साथ इसमें मोटरसाइकिल मिली है मौके से और इसमें जो अन्य दो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी।